नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एचएससी अड्डा में। देखिए जिन बच्चों ने अभी आपका जो एचएससी कलर का पेपर हुआ था, अभी 3 दिन चला था, 21, 22 और 23 को आपका 4 शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ इसमें आपको दर्शाएंगे कि भी कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। उससे पहले हम आपको बता दें, जो 90 नंबर का आपका पेपर हुआ था और जो 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के थे, 100 आपके जो टोटल थे, ये जो हमने कट ऑफ बनाई है, ये टोटल आपकी 100 आउट ऑफ 100 में से बनाई थी। इसमें से देखिए आपकी जो आपकी शिफ्ट में हुआ था, इसमें जो कल की 22 तारीख की इवनिंग शिफ्ट थी, उसका पेपर है आसान आया हुआ था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसके लिए है नॉर्मलाइजेशन आपका होना चाहिए। हम भी मानते हैं कि अगर वो आसान आया है, दूसरे आपके आपके जो पेपर है मुश्किल आए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, इसके ऊपर हम आपके जो है एक नई वीडियो बनाए, उस पर हम आपको समझाएंगे कि भी नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपके जो स्कोर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो उसका कैलकुलेशन फॉर्मूला है, किस तरह से आपका कैलकुलेशन की जाएगी, वो वीडियो हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में हम आपकी जो कट ऑफ है, एस्टिमेटेड कट ऑफ है आउट ऑफ 100, वो दर्शाने वाले हैं। ठीक है, हम आपको बता देते हैं जो आगे आपकी पेपर परीक्षा होंगी, जो आपकी रहती हैं आपकी पटवारी की, जो कैनल पटवारी है, लैंड रिकॉर्ड पटवारी है, ग्राम सचिव वगैरह है, उनकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए मॉक टेस्ट है जो पटवारी के लिए है, आपकी पुलिस के लिए, क्लर्क के लिए है, उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। परीक्षा ऐप जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं, व्यूवर्स नहीं है, उनके लिए तो 250 रुपये इस सीरीज़ का जो प्राइस रखा है, लेकिन आप हमारे सब्सक्राइबर हैं जो आपकी तैयारी करें, आगे एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए SSC ADD 40 कोड यूज करके। ठीक है, अब कट ऑफ दिखा देते हैं हम, आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये आपकी आउट ऑफ 100 रहने वाली है। इसमें हमने जैसे एक्सरिशमैन है, ESP कैटेगरी है, उनकी भी आपकी जो कट ऑफ है साथ साथ में बताई है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें न रहे कि बाद में कहें कि एक्सरिशमैन ये कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इसमें हम कैटेगरी को भी डिफाइन करेंगे, एक्सरिशमैन की कैटेगरी और डिपेंडेंट एक्सरिशमैन क्या होता है। तो जर्नल की कैटेगरी है, जर्नल की कट ऑफ रहने वाली 68 से 72 आउट ऑफ 100 आपकी। ESM एक्सरिशमैन जर्नल की कैटेगरी रहने वाली है 45 से 48 आपकी। देखिए जो डिपेंडेंट ऑफ एक्सरिशमैन आप पूछते हैं कि डिपेंडेंट ऑफ एक्सरिशमैन की कितनी रहेगी, हम आपको बता देते हैं कि डिपेंडेंट ऑफ एक्सरिशमैन अगर सेल्फ जो आपका जो एक्सरिशमैन होता है, जो आर्मी में जॉब खुद करके आता है बंदा, उन वो आपके पूरे नहीं मिलते। मान लीजिए 200 सीट आपकी निकली हैं, आई हैं, अगर वो 200 बंदे आपके इसमें नहीं मिलते, अगर बच जाते हैं इनमें से जितने भी, मान लीजिए 190 मिले हैं और 10 बज गई, तो वो 10 हैं जो उसके बाद में आपके डिपेंडेंट ऑफ एक्सरिशमैन में जाएंगे, उनके बच्चों को उनका लाभ मिलेगा जब खुद की नहीं रहती, खुद बंदे नहीं मिलते। तो ESP जनरल की कैटेगरी 60 से 64 आपकी कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 100 रहने वाली है, और SC कैटेगरी की जो SC कैटेगरी में रहेगी वो 59 से 61 आपकी रहने वाले। EVS की भी हम आपको बताएंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। ESM एक्सरिशमैन SC 35 से 37 आपकी रहने वाली है, ESPSC की रहने वाली 41 से 46 आपकी, और जो BCB की कैटेगरी है ये आपकी, देखिए BCA और BCB में, देखिए BCBA की है जो आपकी, वो कम रहती है कट ऑफ 63 से 66, और जो BCB रहती है वो एज कम्पेरेटिव जो BCA है उससे ज़्यादा रहेगी। जनरल कैटेगरी के लगभग समान आपकी रहती है, जो EWS और BCB की है वो लगभग आपको सेम देखने को मिल सकती है आपकी। ठीक है, BCA एक्सरिशमैन आपकी जो 38 से 40 आपकी रहने वाली है, और BCA ESP की 50 से 55 तक आपकी आउट ऑफ 100 बता रहे हैं। इसमें से अगर आपको कुछ लगता है कि भी इसमें ये इस कैटेगरी की ये नहीं रहेगी, इतनी रहेगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपना स्कोर भी आप एज आपने मैच किया होगा, जो अनऑफिशियल आंसर किया आपकी यूट्यूब से देखी हो आपने, या खुद आपने एनालाइज किया हो, सर्च किया हो, तो आपको पता होगा कि मेरे इतने एस्टिमेटेड इतने बन रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर भी है और जो OMR फिल किया था उसकी कॉपी भी आपके पास। BCB की 65 से 69 आपकी, 69 आपकी रहने वाली है, और एक्सरिशमैन BCB ESM एक्सरिशमैन 39 से 43 आपकी, और जो आपकी ESP BCB की रहने वाली 56 से 62, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है आपका AWS 66 से 70। जो इसमें देखिए ये आपकी जनरल कैटेगरी के समान तो नहीं रहेगी, जनरल कैटेगरी से थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि जो जनरल है ओपन कैटेगरी रहती है, इससे तो सभी की आपकी कम रहती है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी की रहेगी उससे ये कम इसलिए रहेगी क्योंकि जो इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है, और हरियाणा में जो आपका लगभग जो मैक्सिमम फैमिली है उसके अंडर आ जाती है, क्योंकि कृषि प्रधान देश आपका, कृषक आपका इसमें ज़्यादा है, तो उसमें लगभग आपकी आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें जैसे आपकी
उसमें 68 के आसपास जाएगी तो इसकी 66-67 के आसपास आपकी रह सकती है, कम थोड़ा बहुत कम आपकी रहेगी, जो BCB कैटेगरी के आसपास इसकी EWS की रहने की संभावना है। ये जो आपकी एस्टिमेटेड कैटेगरी थी आपका जो है, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इनमें वेरिएशन आपका ज़रूर आएगा, जो कट ऑफ है इनमें प्लस माइनस आपके होने के चांस हैं, क्योंकि जो आपका इवनिंग का पेपर हुआ था 22 को, उसमें जो आपके जो बच्चे के नंबर आए थे नॉर्मलाइजेशन में, वो कम आएंगे, कम हो जाएंगे वो, ठीक है। कंपेरेटली जो आपके है उनके थोड़ा बहुत जो बढ़ा के जो दूसरी कैटेगरी थी उनके कम करके नॉर्मलाइजेशन करने की अगर हुआ तो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का हम आपको, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई सर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में हम आपका इंतज़ार करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जिनका इसमें से स्कोर आपका बन रहा है वो आपको, आप सेफ फील कर सकते हैं। नहीं तो जो आपकी पुरानी जो कट ऑफ थी उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, पुरानी कट ऑफ थी, जो पुरानी कट ऑफ का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो आपकी जब इंटरव्यू था उस टाइम पे जब आपकी जो थी कैटेगरी जिसमें आप आते थे उसकी जो कट ऑफ है वो बना रखी है, जो ऑफिशियल कट ऑफ आपकी आई थी वो बनाई थी, उसमें आपका जो पेपर की कितनी रही थी, इंटरव्यू के बाद कितनी रही थी, वो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।